विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, देवरिया के डीएम अमित किशोर, कुशीनगर के डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, महाराजगंज के अमरनाथ उपाध्याय, सीडीओ गोरखपुर अनुज सिंह, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सहित कुशीनगर एवं महाराजगंज के सीडीओ एवं अन्य मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अपर निदेशक कार्यालय के जेई को निर्देश के बावजूद निर्माण कार्यों की निगरानी ठीक से नहीं करने पर तथा राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी को खजनी में निर्माणाधीन पीएससी की प्रगति धीमी होने पर चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने मंडल में डॉक्टरों की उपस्थिति एवं दवाओं की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी तथा विगत वर्षों में पास हुए एमबीबीएस डॉक्टरों की सूची उपलब्ध कराने, शासन की मंशा के अनुरूप संविदा पर उनसे कार्य कराने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। मंडलायुक्त ने कहा कि पीएससी सीएससी पर दवाओं की उपलब्धता मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनिश्चित कराएं, यदि इसमें लापरवाही पाई गई तो सीएमओ पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, आंगनवाड़ी आदि समन्वय बनाकर कार्य करें। जिस दिन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में टीम जाए, उस दिन 90% से अधिक बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। मंडलायुक्त ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी कार्यों को समय से पूर्ण कराया जाए तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अमृत योजना, किताब वितरण, सौभाग्य योजना, बाल संरक्षण गृहों की जांच, खाद्यान्न वितरण, महिला हेल्प लाइन, मनरेगा, खाद बीज की उपलब्धता, छात्रवृत्ति, ई टेंडरिंग आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। सभी जगह एमबीबीएस पहुंच रहे हैं, ऐसा कोई जिला है जहाँ एमबीबीएस डॉक्टर ना पहुंच रहे हो? अरे सर, 7 जगह तो महिला डॉक्टर है, बाकी 5 जगह महिला, 7 जगह महिला, बाकी 5 जगह 12 जगह कराने में क्या दिक्कत है? कुछ पढ़ा के कराने में क्या दिक्कत है? महिला डॉक्टर साथ ही प्राइवेट प्राइवेट गाड़ी देकर उनको भेजिए उनसे। आप बताइए आपके महिला डॉक्टर कितने नहीं आती हैं? आपका कितनी महिला नहीं आती है? कितनी जगह महिला नहीं है? सब जगह महिला पहुंचती है, महिला डॉक्टर पहुंचती है सब जगह? आप क्या 7 जगह नहीं पहुंचती है? और जगह कितनी हुई? 7 में नहीं पहुंचती है महिला डॉक्टर गोरखपुर में। और दो महिला डॉक्टर आप अगले महीने पिछले महीने की तुलना बढ़ गई है 9 तारीख को आपका महीना की इसमें आधार कार्ड वगैरह की समस्या तो नहीं है? महिला जो गर्भवती महिला है उनके आगे के लाभ देने के लिए आधार कार्ड के अकाउंट के बाद कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं तो उस दिन आप अगर है तो आप उस दिन जिस दिन आपके कैंप करा सकते हैं आधार कार्ड पूरे साल में बीआरडी में हो जाता है।
आरबीएससी के बारे में हमारा ये कहना है, नोट कर लें आप लोग, एक तो आपके जो डॉक्टर जो टीम जाती है वो एंटीरियर रेजिडेंट का अटेंडेंस लगाएंगे वहीं से, और उसी आधार पर आपका वेतन निकालेंगे। देखिए इसमें आपने जो नोडल ऑफिसर है रुचि नहीं ले रहे, वहाँ डॉक्टर भी आपकी फर्जीवाड़ी कर रहे हैं, फोटो को खींच करके उस पर ऐप में डाल, हमने उनको टर्मिनेशन नोटिस भी दिया है, आपको नहीं बताया एक दिन में उनको लोकेशन भेज होती है, तो पीएससी जैसे कर रहे थे स्कूल आना नोटिस नहीं लगाते हैं, तो रिपोर्ट नहीं लगाती उसकी एंटीरियर रेजिडेंट अटेंडेंस की रिपोर्ट, मतलब बेसिकली उसी जगह से समस्या है उतना रिजल्ट पूरा नहीं करवाता है, उसकी बेसिस पे वेतन आदेश है, तब सारी चीज होगी, नहीं तो कुछ उसका मतलब नहीं है। सबसे बड़ी होती है किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डीएम स्टूडियो का कोऑर्डिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसमें शिक्षा विभाग, डीआईओएस, पीएसए, आंगनबाड़ी विभाग, इसमें अगर आप मान के चलिए कि आपकी स्कूलों के अटेंडेंस अगर आप 70% बता रहे हैं कि हमारे 70% बच्चे आते हैं जनरली, तो जिस दिन आरबीएससी की टीम जा रही है उस दिन मिनिमम 90% तो आने चाहिए, तो 100% आना चाहिए, मिनिमम 90% बच्चे आना चाहिए, नहीं तो मतलब आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल है, अगर उस दिन भी 10-20% बच्चे आ रहे हैं जब उनका स्वास्थ्य परीक्षण होने साल में एक बार जा रहा है, और ये जो निकल के आ रही स्थिति की 10-20% अटेंडेंस आ रही है, बाकी सारी कार्रवाई है तो अलग है, हम लोग आगे क्या करेंगे, लेकिन टीम जाए और उससे मिनिमम 90% अटेंडेंस रहे, ये दो चीज़ आप इंश्योर करा लेंगे तो आपका बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा जो डीएम स्टूडियो है।